गुड मॉर्निंग स्टूडेंट. यस, यस्टरडे आई हैव डिस्कस विद यू आइडियोलॉजी ऑफ नाजी पार्टी एंड हिटलर. तो नाउ टुडे दैट इज अ यू कैन से वन ऑफ द पार्ट ऑफ हिज आइडियोलॉजी और नाजी पॉलिसी फॉर क्रिएटिंग हेट्रेड अमंग जूस. ना तो नाजी की पॉलिसी यानी कि नाजी पार्टी की जो पॉलिसी थी उन्होंने किस तरह से ज्यूइश जो हैं उनके लिए बाकी लोगों यानी कि जर्मन के लोगों के मन में कैसे उसने हेट जो है ठीक है कैसे उसने स्प्रेड की. अल्टीमेटली द मेन यू कैन से टॉपिक इज कि जर्मनी के लोग जो थे और उनके मन में हिटलर ने कौन कौन से ऐसे मेथड या कौन कौन से ऐसे पॉलिसीज अडॉप्ट की जिसके कारण जर्मनी के लोग ज्यूइश जो लोग थे उनसे हेट करना शुरू हो गए. उनको लगता था कि रियल में जो ज्यूइश हैं वो सच में जो हैं वो अनडिजायरेबल है. ठीक है, तो व्हाट वाज अ नाजी पॉलिसी फॉर क्रिएटिंग हेट्रेड फॉर, आप ये भी कह सकते हो फॉर ज्यूइश अमंग जर्मन पीपल. ठीक है, अब हम इसको पूरा डिटेल में पढ़ेंगे कि हिटलर और नाजी पार्टी ने कौन कौन सी पॉलिसीज बनाई जिससे लोगों के मन में जर्मनी के लोगों के मन में ज्यूइश कम्युनिटी के लिए जो है वो हेट और नफरत जो है वो स्प्रेड हुई. ठीक है, तो उसके लिए उसने बहुत से नए नए कंसेप्ट और बहुत से नई नई पॉलिसीज जो हैं वो बनाई. सबसे पहले नंबर वन आपने यही बताना है दैट रेशियल स्टेट हेडिंग बनाकर इसमें आपने, आपको पता ही अब तो रेस के बारे में है ना. ठीक है, तो इसमें आप बताओगे कि नाजी पार्टी और हिटलर दे कंसिडर्ड नॉर्डिक जर्मन आर्यन रेस बेस्ट और सुपीरियर इन द कंट्री. क्लियर, अगेन रेशियल स्टेट का मतलब क्या होता है दैट नाजी पार्टी और हिटलर दे कंसिडर्ड देयर नॉर्डिक जर्मन आर्यन रेस सुपीरियर इन द कंट्री एंड फॉर दैट दे डिक्लेयर ज्यूइश. अब हमने स्पेशली ज्यूइश जो है इनके बारे में बताना है ना. दे डिक्लेयर ज्यूइश एज किलर्स ऑफ जीसस क्राइस्ट. किलर्स ऑफ जीसस क्राइस्ट क्रूसिफिकेशन के लिए उनको रिस्पॉन्सिबल ठहराया. इनके लिए ज्यूइश के लिए उसने क्या वर्ड यूज किया, फ्यूरर्स. ठीक है, हिटलर ने इनको क्या बोला, स्यूरर्स. स्यूरर्स कौन होते हैं, मनी माइंड माइंडेड कह लो या मनी माइंडेड पीपल जिनका मोटिव हमेशा क्या होता है, पैसा कमाना. और वो बहुत कंजूस होते हैं स्यूरर्स, पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं, मनी लैंडर्स है ना. और इसीलिए हिटलर ने जिस जो है वो ज्यूइश जो है इनको अनडिजायरेबल डिक्लेयर कर दी. अनडिजायरेबल का मतलब क्या होता है, इनके लिए उसने क्या पॉलिसी बनाई, टोटल एलिमिनेशन, एलिमिनेट कर देना, टोटल एलिमिनेशन फ्रॉम द सोसाइटी. और उसने ये कहा कि जो ज्यूइश हैं इनकी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया जा सकता. उन्होंने इनको बताया कि दिस इज अ प्रॉब्लम फॉर द सोसाइटी, दीज आर द प्रॉब्लम. इनकी जो रेस है वो एक तरह से प्रॉब्लम है एंड देयर इज अ ओनली फाइनल सॉल्यूशन. उसने क्या कहा कि ज्यूइश जो है उनकी जो प्रॉब्लम है उसका फाइनल सॉल्यूशन क्या है, टोटल एलिमिनेशन. ये जो भी वर्ड्स हैं इन वर्ड्स में कहीं भी नहीं उसने ये बताया कि ज्यूइश को मार देना चाहिए, क्योंकि उसने वर्ड्स को बहुत टेक्निकली यूज किया, कोडेड लैंग्वेज को यूज किया और जिसके बेस के ऊपर उसने बहुत से ज्यूइश जो थे ठीक है उनको ऑर्डर दिया मारने का. लेकिन उसने अपनी फिलॉसफी में किलिंग और मर्डर जैसे वर्ड यूज नहीं किए. अगेन जैसे मैं आपको बोल रही हूँ कि दैट ही कंसिडर्ड ज्यूइश एज अ प्रॉब्लम एंड द फाइनल सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम इज टोटल एलिमिनेशन. टोटल एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है कि उनको सोसाइटी से क्या करना, डिपोर्ट कर देना,
या निकाल देना, कंट्री से निकाल देना, या बाद में उनको उनकी रेस को ही खत्म कर दें ताकि नेक्स्ट जनरेशन जो हैं वो कभी भी ज्यूइश जो है उनको याद ना कर पाए। ठीक है, तो दिस पॉलिसी ही अडॉप्टेड। सबसे पहले तो उसने ये पॉलिसी अडॉप्ट की कि लोगों के मन में ज्यूइश की प्रॉब्लम जो है वो बताने के लिए, लोगों को इस चीज के लिए जो है बताया गया कि ये जीसस क्राइस्ट के किलर्स हैं, इन्होंने क्रूसीफाई करवाया था। सो दिस वॉज अ मेन प्रॉब्लम फॉर दैट। देन सेकेंड, फिर आपने बताना है सेम साइंटिफिक थ्योरीज, आप वो थ्योरीज इसमें बता सकते हो, डार्विन एंड स्पेंसर, डार्विन एंड स्पेंसर की थ्योरीज। उसने अपनी पॉलिसी में डार्विन एंड स्पेंसर की थ्योरीज जो हैं, उन थ्योरीज को अपनी पॉलिसी का पार्ट बनाया और ये कहा कि अकॉर्डिंग टू दीज साइंटिस्ट नेचुरल सिलेक्शन ऑफ दोज प्लांट्स एंड स्पीशीज शुड बी देयर। जिनकी ब्रीड और प्लांट्स की बात करें तो जिनकी जो है वो क्वालिटी बेस्ट होती, तो उसने ये कहा कि ज्यूइश जो हैं ये इंफीरियर हैं। ही कंसिडर्ड हिम एज इंफीरियर, उसने इनको इंफीरियर कहा और नॉट फिट फॉर सोसाइटी। उसने ये भी कहा कि दीज आर नॉट फिट फॉर सोसाइटी, तो इनकी रेस जो है इनको आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। और इसीलिए उसने क्या किया, डार्विन और स्पेंसर की थ्योरीज को अपना पार्ट बनाकर उनको इन्फीरियर कंसिडर कर दिया और इस तरह से लोगों को सच में ये लगने लग गया कि शायद रियली ये ऐसे हैं और इनकी रेसेस को आगे नहीं बढ़ना चाहिए, पॉपुलेशन इनकी नहीं बढ़नी चाहिए। ठीक है, देन थर्ड उसने क्या किया, स्कूल एजुकेशन, ही चेंज एजुकेशन कंट्रोल। कैसे उसने एजुकेशन जो है अपनी पॉलिसी में, एजुकेशन पॉलिसी उसने क्या बनाई, क्या थी उसकी एजुकेशन पॉलिसी, एजुकेशन पॉलिसी। इस पॉलिसी के अंडर उसने सबसे पहले बच्चों को यानी कि स्कूल लेवल पे ही कैसे बच्चों के माइंड में ज्यूइश को, कैसे उनके माइंड को ज्यूइश के अगेंस्ट किया जाए, वो सारा जो है वो हिटलर की पार्टी और नाजी पार्टी ने सारा प्लान किया। सबसे पहले तो उसने क्या किया, टीचर्स जो ज्यूइश टीचर्स होते थे उनको डिसमिस कर दिया गया, जॉब से निकाल दिया, अलग कर दिया उनको। इवन स्कूल स्टूडेंट्स जो थे ज्यूइश स्टूडेंट्स थे उनको भी पहले तो अलग कर दिया, फिर धीरे धीरे उनको भी निकाल दिया। एंड प्योरीफाइड का मतलब क्या होता है, स्कूल को क्लीन किया, प्योरीफाई किया, जैसे आजकल के टाइम पीरियड में सैनिटाइज करते हैं ना, तो उसने ये कहा कि सैनिटाइज मीन्स स्कूलों को प्योरीफाई करना, मीन्स ज्यूइश जो बच्चे हैं या टीचर्स हैं जो प्रॉब्लम है उनको निकालना, क्योंकि उसने ज्यूइश के लिए जो है वो वर्ड क्या यूज किया, इन्फेक्शन। उसने ये कहा कि ये क्या है, इन्फेक्शन, अगर ये स्कूल्स में रहेंगे तो क्या होगा, ये इन्फेक्शन स्प्रेड होगी, तो इस इन्फेक्शन का एक ही प्रॉब्लम है कि इनको निकाल दिया जाए और इनको एलिमिनेट कर दिया जाए। ठीक है, पहला स्टेप तो उसने ये किया एजुकेशन पॉलिसी में, स्कूल्स को क्लीन किया, प्योरीफाई किया, रेस को जो है वो निकाल दिया, ज्यूइश टीचर्स को निकाल दिया, बच्चों को निकाल दिया गया। फिर उसने क्या किया, सारा जो करिकुलम था, टेक्स्ट बुक्स का जो सिलेबस था वो सारा चेंज किया गया। उसमें कौन कौन सा नया एडिशन किया गया, बॉक्सिंग गेम कंपलसरी कर दी बॉयज के लिए, ताकि बॉयज जो हैं नॉर्डिक जर्मन आर्यन रेस के बॉयज जो हैं वो एग्रेसिव, हमेशा लड़ने के लिए तैयार रहें, ब्रेव रहें। ही एक्सपेक्टेड द बॉयज फ्रॉम बॉयज दैट दे शुड बी ब्रेव एंड एग्रेसिव, ताकि कल को जब ये बच्चे बड़े होंगे, सोल्जर बनेंगे, तो उनको अपनी कंट्री के लिए कहीं पर भी भेजा जा सकता है बॉर्डर एरियाज में, दे शुड बी वेल प्रिपेयर्ड फॉर दैट्स वाई ही इंट्रोड्यूस मैनी गेम्स। एंड सबसे प्रेफरेंस इसने किसको दी, बॉक्सिंग को कंपल्सरी फॉर बॉयज। ठीक है, इसके बाद और उसने क्या किया, सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया रेशियल साइंस, उसने एक नया सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया रेशियल साइंस, जिसमें बच्चे सब्जेक्ट को पढ़ें और अपनी रेस को ज्यादा जो है वो अटैचमेंट उनको हो अपनी रेस से और बाकी रेसेस के साथ,
जिन कम्युनिटीज को हिटलर ने अनडिजायरेबल कहा था उनसे हेट करना शुरू कर दी। बच्चों के मन में जो भी आप डालते हो ना वो थ्रू आउट द लाइफ रहता है, ये हिटलर का मानना था। और इसीलिए उसने एजुकेशन पॉलिसी में बहुत से चेंजेस किए, स्कूल्स एजुकेशन में चेंजेस किए, बच्चों को वॉर थ्योरीज पढ़ाई गई। वॉर थ्योरीज का मतलब क्या होता है कि पुराने टाइम पर में लड़ाइयां कैसे लड़ी जाती थी, जर्मनी कैसे, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में बताया गया, ट्रीटी ऑफ वर्सायल के बारे में बताया गया कि किस तरह से जर्मनी जो है उसको लॉस हुआ था, और बाकी सारा जो भी उस टाइम पीरियड में जर्मनी की कंडीशन जो थी वॉर टाइम कंडीशन वो बच्चों को बताई गई, और ये उनको जो है वो सिंपथी गेन करने के लिए, ताकि बच्चों को ये लगे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हमारी जर्मनी के साथ कितना बुरा हुआ था, ताकि वो रिटेलिएशन बदला लेने के लिए उनको तैयार किया जाए। वॉर थ्योरीज क्लियर। और उसने क्या किया, बच्चों के लिए मिलिट्री ट्रेनिंग, मिलिट्री ट्रेनिंग कंपलसरी कर दी, लेकिन इसमें किसी भी तरह से ज्यूइश लोगों को इन्वॉल्व नहीं किया, ठीक है। तो दैट वाज ऑल अबाउट द पॉलिसीज ऑफ हिटलर, कि हिटलर ने लोगों के मन में ज्यूइश, पहले टीचर्स को निकाल दिया, बच्चों को निकाल दिया, स्कूल को प्योरीफाई किया गया, और इसमें ज्यूइश जो कम्युनिटी है उनको इन्वॉल्व नहीं किया गया, ठीक है। और उसने क्या किया नेक्स्ट, उसकी क्या पॉलिसी थी, यूज ऑफ प्रेस एंड मीडिया। अब प्रेस और मीडिया को उसने ज्यूइश के अगेंस्ट कैसे यूज किया, मैंने आपको कल भी बताया था, सेम वही आप इसमें बताओगे, दे वर कंपेयर्ड एज रैट्स एंड पेस्ट। ज्यूइश जो लोग थे उनको रैट्स और पेस्ट की तरह कंपेयर किया गया, दे वर शोन इन द पोस्टर्स, इन द मैगजीन्स, इन द मूवीज, फिल्म्स और मूवीज में उनको इसी तरह से शो किया गया, मूवीज उनको उनकी नेगेटिव इमेजेस दिखाई गई, ठीक है, और उनको विलेन, जैसे मूवीज के विलेन होते हैं उनको वैसे दिखाया गया, और उनके कार्टून्स एंड कैरिकेचर्स बनाए गए, कार्टून्स एंड कैरिकेचर्स। कैरिकेचर्स का मतलब होता है कि उनकी इमेजेस बनाकर, जैसे उसका मजाक उड़ाना है ना, तो ऐसे उनके कार्टून्स और कैरिकेचर बनाए गए ताकि जर्मनी के लोग इनका मजाक उड़ाएं, उन मैगजीन्स को देखकर, न्यूज़पेपर को, उनके न्यूज़ जो हैं या मूवीज़ को देखकर या कार्टून्स को देखकर, ठीक है, और बच्चे जो हैं वो उनको हेट करना शुरू कर दें। इनको मनी बैग्स के ऊपर बैठे दिखाया गया, इनकी पॉइंटेड नोज दिखाई गई कि ये जो हैं वो बहुत ज़्यादा जो हैं वो बल्कि हैं क्योंकि उन्होंने लोगों का पैसा जो है वो ले लिया, तो ऐसी ऐसी इमेजेस उनके बारे में दिखाई, ठीक है। तो दैट वॉज हाउ ही कंट्रोल प्रेस एंड मीडिया to spread hatred in the minds of German people, ताकि उनको किस तरह से Jewish के against किया जाए। Then, code of conduct for women, यहां पे women कौन, Nazi, Nazi party और Nazi society की जो women, उनके लिए क्या बनाया गया, कोड ऑफ कंडक्ट, मतलब कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए ताकि वो क्या मेंटेन करें, प्योरिटी ऑफ रेस, वो अपनी रेस को प्योर करें। रेस को कैसे प्योर करें, नॉट टू कीप एनी काइंड ऑफ रिलेशन विद अदर ज्यूइश और एनी अदर 52 कम्युनिटीज, एंड इफ दे विल मैरी एनी अदर अदर देन रेस, यानी कि नॉर्डिक जर्मन आर्यन रेस से बाहर जाकर, If they will marry any other or Jewish person, तो उनके साथ क्या होता था, तो that was also very tragic. ऐसी women, ऐसी girls जो किसी भी तरह से Jewish families के साथ या किसी तरह से हम ये कह सकते हैं कि उनके साथ marriage bond या marriage होती थी, तो इन जो है वो girls जो है या women, they were shaved their head, ठीक है, उनके बालों को काट दिया जाता था, blackened the faces, फेसेस को ब्लैक कर दिया जाता था, उनके गले के ऊपर एक प्ले कार्ड लगा दिया जाता था कि दे हैव डिस्ट्रॉयड द ऑनर ऑफ नेशन, कि उन्होंने अपने नेशन का जो ऑनर है, अपनी रेस को क्या किया है, इम्प्योर। और इस तरह से उनको पूरे एरिया में जो है वो ग्रुप ग्रुप के साथ, ठीक है, घुमाया जाता था ताकि सोसाइटी में बाकी लोग भी देखें कि अगर आप ऐसा करोगे तो आपके साथ भी ऐसा हो,
इट वॉज वेरी शॉकिंग कि विमेन के साथ क्या हुआ। अदरवाइज तो हिटलर जो था वो नाजी वुमेन को बहुत मदर स्पेशली मदर की बहुत रिस्पेक्ट करता था। उसका ये मानना था कि जो मदर्स हैं वो अपने बच्चों को क्या पढ़ाएं, नाजी वैल्यूज। लेकिन अपनी कंट्री में बाकी जो है फैमिलीज वो ज्यूइश के साथ किसी भी तरह से रिलेशन ना मेंटेन करें, इसीलिए कोड ऑफ कंडक्ट बनाया गया स्पेशली फॉर नाजी वुमेन, ताकि वो अपनी रेस की प्योरिटी को मेंटेन करें, और अगर वो नहीं करती हैं तो उनको पनिशमेंट या डिपोर्ट या फैमिली से सेपरेट कर दिया जाता था। ठीक है, तो दिस वॉज ऑल अबाउट नाजी प्रोपोगेंडा। नाजी प्रोपोगेंडा मीन्स नाजी पॉलिसी इन क्रिएटिंग हेट्रेड। हेट्रेड का मतलब होता नफरत, किस तरह से स्प्रेड की, ज्यूइश के अगेंस्ट कैसे किया लोगों को, और अपनी पॉलिसी को कैसे जो है वो इम्प्लीमेंट किया। ठीक है, तो इसके बाद ये तो था सिर्फ ज्यूइश के अगेंस्ट, है ना। अब हम बताएंगे कि हिटलर ने पूरी तरह से जर्मनी पे कंट्रोल कैसे किया। डिक्टेटरशिप तो उसने की, वो तो हमने पढ़ ही लिया है, लेकिन हम अपने पूरे एस्पेक्ट्स को कवर करना है। टोटल कंट्रोल का मतलब क्या होता है, ईच एंड एवरीथिंग वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ नाजी पार्टी। टोटल कंट्रोल ऑन जर्मनी बाय हिटलर कह लो और नाजी पार्टी। ठीक है, इसमें हमने सभी एस्पेक्ट्स को कवर करना है कि हिटलर और नाजी पार्टी ने पूरी जर्मनी को अपने कंट्रोल में कैसे किया। इवन हमने जो भी इसमें पॉइंट डिस्कस करने हैं ना, ये सारे हमने इससे पहले कर लिए हुए हैं, लेकिन इस टॉपिक को कवर करने के लिए हमने सारा बताना है कि हिटलर ने किस तरह से अलग अलग फील्ड्स, अलग अलग जो है वो एरियाज को कैसे कंट्रोल किया। ठीक है, अब कंट्रोल स्टार्ट कहाँ से हुआ था ये तो आपको सब बच्चों को पता ही है, कैसे उसने कंट्रोल करना शुरू किया था। इसमें आप हेडिंग थोड़ा सा बताओगे, जैसे हमने डिस्कस किया था फायर डेक्री। डेक्री का मतलब क्या होता है, ऑर्डर। फायर डेक्री एनेबलिंग एक्ट। ठीक है, फायर डेक्री कब हुआ था, कब ऑर्डर पास किया, 28 फेब 1930। कुछ देर के बाद उसने नया एक्ट एनेबल कर लिया जर्मनी को एज अ डिक्टेटर, तो 3 मार्च 1933। ठीक है, ये हमने इसमें बताना है। टोटल कंट्रोल कैसे किया, सबसे पहले उसने क्या किया, सस्पेंडेड द सिविल राइट्स ऑफ द पीपल, द फ्रीडम्स वर टेकन, देन ही एनेबल जर्मनी एज डिक्टेटरशिप कंट्री ऑन 3 मार्च 1933। ठीक है, इसके बाद साथ ही हमने बता देना वही क्वेश्चन का शॉर्ट में, सिक्योरिटी फोर्सेस गेस्टापो सीक्रेट पुलिस स्क्वाड्स एसएस एसडी अलग अलग स्क्वाड्स बनाए क्रिमिनल्स को अरेस्ट करने के लिए। ठीक है, और सिक्योरिटी फोर्सेस का मतलब होता है कि कुछ ऐसी क्रिमिनल पुलिस नॉट इन यूनिफॉर्म, सो दैट कंट्री में जो भी अपोज कर रहा था हिटलर उसकी नाजी पार्टी को, उनकी एक्टिविटीज को कंट्रोल किया जाए। तो ये जो क्वेश्चन हमने किया था डेमोक्रेसी हाउ ही डिस्ट्रक्टेड, तो इसमें एक आपका हेडिंग बनेगा, बिकॉज हमने सारा जर्मनी का कंट्रोल बताना है कि किस तरह से नाजी पार्टी और हिटलर ने कंट्रोल किया, मतलब इट विल कवर होल ऑफ द चैप्टर ऑल्सो साइड बाय साइड। ठीक है, फिर हमने बताना है दैट हाउ ही डिक्लेयर्ड जर्मनी एज अ रेशियल स्टेट। ये रेशियल कंसेप्ट बार बार आता है बच्चे, रेशियल स्टेट, इसमें वो सारा बताओगे कि अपनी लिविंग स्पेस, अपनी रेस के लिए वो क्या चाहता था लिविंग स्पेस। फॉर दैट ही डिक्लेयर हिज रेस बेस्ट एंड अदर्स एज इंफीरियर। कितनी कम्युनिटीज को, 52 में कौन कौन आते थे, ज्यूइश, जो लोग पोलैंड से जर्मनी आए थे पोलिश, जो लोग रशिया से रहते थे जर्मनी में रशियंस, जो लोग डेमोक्रेट्स थे जो डेमोक्रेसी लाना चाहते थे, इवन सपोर्टर्स ऑफ रशिया जो रशिया के सपोर्टर्स थे। ठीक है, और इवन मनार्की के सपोर्टर, तो ऐसे सभी लोग जो हिटलर के अगेंस्ट होते थे हिटलर ने उनको अनडिजायरेबल डिक्लेयर कर दिया। एंड इवन फिजिकली चैलेंज
ऑफ हिज ओन रेस, जो उसकी अपनी रेस में से भी फिजिकली चैलेंज होते थे, हैंडीकैप होते थे, उनके लिए भी उसने क्या किया, अनडिजायरेबल, उनको भी अनडिजायरेबल डिक्लेयर कर दिया, जो उसकी अपनी रेस के भी हैंडीकैप होते, बिकॉज ही बिलीव इन द थ्योरी ऑफ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। और इस तरह से धीरे धीरे इसने क्या करना शुरू कर दिया, इन लोगों को एलिमिनेट, एलिमिनेट का मतलब होता है कि उनको मारना। लेकिन मैं आपको बार बार कह रही हूँ, ही नेवर यूज द वर्ड किल एंड मर्डर फॉर दीज, इन स्पाइट ऑफ दैट ही यूज डिफरेंट काइंड ऑफ कोडेड लैंग्वेज फॉर दीज पीपल। ठीक है, अलग अलग तरह की लैंग्वेज, फाइनल सोल्यूशन, डिसइंफेक्टेंट एरियाज, साइंटिफिक नेम्स जो हैं, ताकि किसी को ये ना लगे कि हिटलर जो है वो इनको मरवा रहा है, सभी को ये लगे कि ये सोसाइटी को प्योर कर रहा है, प्योरीफाई द सोसाइटी। ठीक है, देन अब इस रेशियल स्टेट के अंडर उसने टॉर्चर्स किए, फैमिलीज को सेपरेट कर दिया, बच्चों, फैमिलीज में से बच्चों को ले लिया जाता था, उनसे इनसे रेशियल टेस्ट पास करवाए जाते थे, अगर बच्चा फिजिकली फिट है, ठीक है, देन उनको बच्चों को वापस दे दिया जाता था, अगर नहीं है तो या तो उन बच्चों को अगर फिजिकली हैंडीकैप होते थे तो उनको मार दिया जाता था, या फिर फैमिलीज जो है उनको डिपोर्ट कर दिया जाता था किसी और कंट्री में, निकाल दिया जाता था कंट्री से बाहर। तो दैट वाज अ काइंड ऑफ कंट्रोल, है ना। इसके बाद थर्ड, कंट्रोल ऑन एजुकेशन एंड स्कूलिंग, ये तो मैंने अभी बताया आपको, कंट्रोल ऑन एजुकेशन एंड स्कूलिंग, यूथ भी कह सकते हो आप, कंट्रोल ऑन एजुकेशन एंड यूथ, बच्चों को और यूथ को उसने कैसे कंट्रोल किया। ठीक है, तो ये सारा हमने वही बताना है कि स्कूल्स में से पहले जूश जो है उनको, टीचर्स को डिसमिस कर दिया गया, टेक्स्ट बुक्स रीराइट, उनको रीराइट किया गया, रेशियल साइंस थ्योरीज जो हैं डार्विन एंड हर्बर्ट स्पेंसर की थ्योरीज को ऐड किया गया। ठीक है, और बच्चों के लिए स्पेशली गेम्स जो हैं, अलग अलग गेम्स इंट्रोड्यूस की, ताकि बच्चे जो हैं वो एग्रेसिव, यानी कि जो बॉयज हैं उनसे एक्सपेक्ट किया गया कि उनको क्या होना चाहिए, एग्रेसिव। ठीक है, और स्पेशली गर्ल्स के लिए वो नहीं सोचता था, बॉयज के लिए उसने ऐसा किया, है ना। देन वर्शिप वॉर एंड हिटलर, कि वो कैसे हिटलर को वर्शिप करें, उसको एज अ गॉड माने, वॉर थ्योरीज बताई गई कि वॉर कैसे लड़ी जाती है। और उसने क्या किया, यूथ ऑर्गेनाइजेशन, ये आप इसमें ऐड करोगे आप, उसने अलग अलग यूथ ऑर्गेनाइजेशन बनाई, यूथ ऑर्गेनाइजेशन, ये ऑर्गेनाइजेशन स्कूल्स में भी होती थी, अलग अलग लेवल पे भी होती थी, तो बच्चों के लिए, मतलब जो बिलो 10 ईयर्स, ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि जो बिलो 10 ईयर्स उनके लिए नहीं, 10 to 14, यानी कि जो 10 से 14 ईयर्स के बच्चे जो होते थे, जिनकी एज 10 से 14 ईयर्स की होती थी, उनको एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ज्वाइन करनी पड़ती थी, जिसको कहा जाता था यंग वॉ। इट वॉज कंपल्सरी, ये ऑर्गेनाइजेशन बच्चों को क्या देती थी, फिजिकल एक्सरसाइज, ताकि बच्चे मेंटली और फिजिकली दोनों तरह से स्ट्रांग बने, उनको गेम्स या स्पोर्ट्स में उनको प्रॉपरली जो है वो ट्रेन किया जाता था, उनकी जो फिजिकली जो है उनको प्रॉपर एक्सरसाइजेस या उनकी बॉडी को कैसे फिट रखा जाए, वो उनको उसमें पार्टिसिपेशन कंपल्सरी होती थी, हर बच्चा यंग वॉक का पार्ट होता था 10 से 14 ईयर्स, जो फिजिकली फिट, नॉर्थ, सिर्फ नॉर्थिक जर्मन आर्यन रेस। ठीक है, उसके बाद 14 to 18, जब बच्चा 14 के बाद उसको एक और ऑर्गेनाइजेशन, ये छोड़कर नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करनी पड़ती थी, हिटलर यूथ। हिटलर यूथ, ठीक है, हिटलर यूथ का मतलब है कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो 14 से 18 तक के लड़कों के लिए, बॉयज के लिए। वैसे ये पहले भी थी, उस टाइम पीरियड में इसको यूथ लीग कहते थे। और ये बनी कब थी, 1922 में, लेकिन बाद में इसका नेम चेंज कर दिया हिटलर ने अपने नेम के अकॉर्डिंग, इसको क्या रख दिया, हिटलर यूथ ऑर्गेनाइजेशन का नेम चेंज कर दिया। हिटलर यूथ, ठीक है, और इस तरह से उसने यूथ के बारे में, पूरा कंप्लीट क्वेश्चन भी आपको आ सकता है, व्हाट ही थिंक अबाउट ओनली यूथ, बच्चों के लिए एजुकेशन, तो मैंने आपको एजुकेशन से रिलेटेड सारा डिटेल में करवाया। नाजी यूथ, नाजी यूथ के लिए वो क्या सोचता था, नाजी जो लड़के होते थे,
स्टार्टिंग में वही आपने स्कूल से स्टार्ट करोगे, सपोज अगर ये सेपरेट क्वेश्चन है तो इसमें अपने सारा डिटेल में बताना है एजुकेशन के बारे में, स्कूल्स वर क्लीन, दीज वर प्योरिफाइड, अनडिजायरेबल, दे वर डिपोर्टेड टू गैस चैम्बर्स, जो ऐसे बच्चे ऐसे जो फिजिकली फिट नहीं होते थे उनको गैस चैम्बर्स में भेज दिया गया, रेशियल साइंस की इंट्रोडक्शन की गई, बॉक्सिंग वॉज कंपल्सरी फॉर बॉयज, टू वर्शिप वॉर, हिटलर को एज अ गॉड ट्रीट किया गया, एंड ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई, और इन ऑर्गेनाइजेशन में अच्छा 14 to 18 जो है उसके बाद 18 ईयर्स एंड अबव के बाद कोई भी बॉय वो चाहे किसी भी प्रोफेशन में जाए, चाहे वो डॉक्टर है, चाहे लॉयर है, चाहे कुछ भी है, उसको आर्मी ट्रेनिंग, आर्मी जो है वो ज्वाइन करना कंपलसरी होता था, वो एज अ सोल्जर भी होता था, एंड लेबर सर्विस, हिटलर यूथ को वेपन्स, जो हिटलर यूथ होते थे अब तक उनको वेपन्स की नॉलेज हो जाती थी, गन, गन पाउडर, यानी कि जर्मनी में जो नाजी यूथ थे जब वो 18 इयर्स के हो जाते थे हिटलर यूथ ऑर्गेनाइजेशन में, उनको गन पाउडर वेपन्स या मिलिट्री ट्रेनिंग जो है वो मिल जाती थी। तो जब वो 18 के बाद, यानी कि 18 के बाद जब वो किसी भी प्रोफेशन या किसी भी उसमें ज्वाइन करते थे तो साथ साथ उनको आर्मी और लेबर सर्विस का पार्ट, लेबर सर्विस का मतलब होता है कंट्री के लिए कहीं भी उनको भेज सकते हैं और उसके लिए गवर्नमेंट उनको पे नहीं करेगी, तो दैट वॉज फॉर पैट्रियोटिज्म, ताकि लोगों में अपनी कंट्री के लिए कुछ भी करने का जो है वो एक जो होना चाहिए, फॉर्मेशन होनी चाहिए। देन आर्मी का मतलब है कि चाहे कोई भी पर्सन है वो डॉक्टर है, लॉयर है, इंजीनियर है, लेकिन अगर गवर्नमेंट को जरूरत पड़ेगी तो गवर्नमेंट उनको बॉर्डर एरियाज में वॉर टाइम पीरियड में भेज सकती है। आर्मी में उनकी रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होती है, क्योंकि चाहे वो डॉक्टर हैं चाहे लॉयर्स हैं उनको मिलिट्री ट्रेनिंग तो मिली जाती थी, तो इन फ्यूचर अगर हिटलर को ये लगता था कि जब भी उसकी कंट्री में नंबर ऑफ सोल्जर्स अगर रिड्यूस होंगे तो इन लोगों को एज अ सोल्जर जो है वो फ्रंट एरियाज में, बॉर्डर एरियाज में भेजा जा सकता है ना। तो इस तरह से उसने पूरा जो है वो एजुकेशन को कंट्रोल किया। ठीक है, तो ये तो आपका थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट का मतलब है इसमें आप फर्स्ट मैंने आपको बताया था फायर डेक्री, ठीक है, सेकेंड फिर हमने डिस्कस किया रेशियल स्टेट, थर्ड है कंट्रोल ऑन एजुकेशन एंड स्कूलिंग, ये सारा हो गया थर्ड कि कैसे उसने टोटल कंट्रोल किया ना। तो अगर इसमें क्वेश्चन में तो आप इसको शॉर्ट के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन करो। नेक्स्ट आ जाओ कंट्रोल ऑन मदर, ये भी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ आपके साथ, कंट्रोल ऑन मदर्स, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि उसकी थिंकिंग गर्ल्स के लिए क्या थी, नाजी कल्ट ऑफ मदरहुड, कल्ट मीन्स थिंकिंग, नाजी कल्ट ऑफ मदरहुड, कि वो मदर से क्या एक्सपेक्ट करता था। ठीक है, सबसे पहले तो उसने बताना है अकॉर्डिंग टू हिटलर जो विमेन है These are racially different from men, and उनके लिए उसने क्या किया, उनको रिस्पेक्ट देता था मदर्स को, नाजी मदर्स जो होती थी सिर्फ अपनी रेस, एंड इसके लिए उसने क्या किया, कोड ऑफ कंडक्ट, ये मैंने पहले डिस्कस किया आपके साथ, कोड ऑफ कंडक्ट, सम रूल्स एंड रेगुलेशंस हैव टू बी फॉलो टू दीज नाजी विमेन, उनको कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते थे, नॉट अलाउड टू कीप एनी काइंड ऑफ कॉन्टैक्ट और रिलेशन विद ज्यू, इस कोड ऑफ कंडक्ट के अंडर क्या था कि दे विल नॉट कीप एनी काइंड ऑफ रिलेशन विद ज्यूइश फैमिलीज। ठीक है, एंड फॉर दैट इफ दे विल कीप, अगर वो करेंगी, एंड मैनी कैप्ट आल्सो, कईयों ने किया भी, तो दे वर पनिश, पनिशमेंट का मैंने अभी आपको प्रोसीजर बताया कि कैसे पनिश किया जाता था, शेव देयर हेड्स, ब्लैकन देयर फेस, हैंगिंग प्ले कार्ड्स इन देयर नेक, एंड रिटन ऑन दैट दैट दे हैव स्लरिड, they have destroyed the honor of the nation, clear, and after that many kind of facilities were given to nazi women, jo nazi women hoti thi unko bahut si facilities di jati thi, clear, so rest I will discuss with you tomorrow, now any doubt from these parts or topic,
that I have covered today.